हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, टीम यूपीएसआई और एएसआई के लिए आपकी जो पद आए हैं अभी, उनके लिए निःशुल्क बैच प्रारंभ कर चुकी है। आपको लगातार लेक्चर 4 से 5 मिल रहे हैं। जो लोग अभी भी इन सारे डेली बेसिस पर आपको हम 4 लेक्चर देते हैं, जो अपने आप में आपके इन सारे विषयों को कवर कर रहे हैं, ये परीक्षा ये मान के चलिए कि नवंबर से दिसंबर तक आपकी जानी है। अगर ये फॉर्म आपका इस वीक में आ भी जाता है और इससे 15 हो ही चुकी है, तो ये मान के चलिए कि आपका लगभग इस वीक में या इस वीक के बाद तक फॉर्म आ जाएगा और परीक्षा की जो संभावना है वो नवंबर से दिसंबर, दिसंबर तक मान के चलिए। तो टीम तब तक पूरी तरीके से एक स्ट्रेटजिक वे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रही है। तो जो लोग इस फॉर्म के लिए आपके एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए कि गोपनीय लिपिक और लेखा है, वो लोग तो साथ साथ इसको पढ़ते ही रहे, उनके लिए तो ये पूरी तरीके से बैच है। लेकिन जो लोग सिविल एसआई की आपके वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, भैया एक चीज जान लो, सिर्फ एक पॉइंट उसमें बदलता है, बाकी यही सिलेबस आपका पूरा है। तो पूरे तन मन धन से अगर लेना है नौकरी तो लगी है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बढ़ेगा। अब पहली बार तरीके से नहीं रह गया कि सब्जेक्टिव आपका 50% होना चाहिए, उसमें बहुत सारे बच्चे आउट हो गए थे। इस बार हर एक सब्जेक्ट में 35% आपको क्वालिफाई करना है, मार्क्स लाना है और ओवरऑल 50% लाना है। तो इस बार टक्कर अच्छी है, अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर से हाथ से चली जाएगी आपकी वैकेंसी। इसलिए बहुत अच्छे से 21 से 28 के एज ग्रुप वाले जो लोग हैं, वो लोग बहुत कंसंट्रेट माइंड के साथ इस परीक्षा में जुट जाए तैयारी में। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, इसका जो आपके भाग 4 के रूप में इसमें सिलेबस में भी वर्णित था कि जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, मानसिक अभिरुच परीक्षण होता है, जिसके आपके 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं, रीजनिंग और उस सेक्शन दोनों को मिला के 50 होते हैं पूरे। तो इसी में हमें बात करनी है आज आपसे कि जो मेंटल आपका एप्टीट्यूड एक तरीके से टेस्ट है, इस मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपके प्रमुख मुद्दे हैं, यह मुद्दे आपके जैसे जनहित से हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, आपके पुलिस पूरे सिस्टम को हो गया, पुलिस पूरा का पूरा आपको सिस्टम जानना चाहिए, क्योंकि आप जिस जो है विभाग के साथ कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर पड़ा है, सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर आधारित पूरा जो है 25 क्वेश्चन आपका बनता है। ये जो 25 आपके क्वेश्चन हैं, ये आपके एसआई सिविल में भी पूछा जाता है, जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिविल की भी आपकी जो मतलब इसमें पद है बहुत जल्दी अलग से आपके निकलेंगे और इसमें लगभग जो इस बार पद बनेंगे वो 5500 वैकेंसी के करीब है। और जो आपके सामने एक निकल के आ चुकी है एसआई या एएसआई की आपकी परीक्षा, जिसमें आपके पदों की संख्या 1277 है, पहले ही बताया जा चुका है। तो इन दोनों में यह आपका बहुत अच्छा पोर्शन होता है, 25 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो अपने आप को बहुत ही मतलब एक सधे वे में शुरुआत करिए। जो लोग अभी तक अटके हैं, बहुत सारे बच्चों के मैं सवाल देखता हूं कि वो ओ लेवल की क्वालिफिकेशन को लेकर बजे हुए हैं। भैया जब ये सिलेबस आप में, दोनों का सिलेबस सेम है, कुछ ही चीजें उसमें बदलती हैं, लॉ को लेकर के, सीआरपीसी आईपीसी को लेकर के, वो बाद में भी कवर किया जा सकता है। अभी जो सिलेबस है आपको उस पर काम करना शुरू कर जो है कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें यह स्पष्ट रूप से तीनों पोस्ट में अलग अलग बताएगा कि हमें किस पोस्ट के लिए किस स्ट्रीम से ग्रेजुएट, और डिग्री तो उसने वो लेवल बता ही दिया, हालांकि समकक्ष जो बताया है उसमें वो कंफर्मेशन आपका हो जाएगा कि अगर आप इस डिग्री से हैं और वो लेवल आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है, ठीक है, मेरा परामर्श अगर मानिए तो आपको तैयारी अपनी शुरू करनी चाहिए अगर आप 21 से 28 की एज ग्रुप में हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं, 21 से 28 की जो है एज है, तो आपको एसआई सिविल और एसआई एएसआई जो अभी आने वाली है तत्काल रूप से इनकी परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपका सिलेबस है उसके बारे में परिचर्चा करूंगा, फिर आज आपके मैं पुलिस सिस्टम को स्टार्ट करूंगा कि पुलिस सिस्टम वर्तमान में कैसा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस व्यवस्था है, ये पुलिस व्यवस्था आपकी कैसी है, क्या क्या प्रणालियां देखने को मिलती, कितने जोन हैं, कितने आपके अधिकारीगण होते हैं,
रैंकिंग क्या होती है, इन सभी मुद्दों पर बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा आपको परिचर्चा करनी है, तो इन्हीं सब पर हमें बात करनी है। सबसे पहले देखो, मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह मूल मंत्र एकदम गांठ बांध के कान में डाल लो कि अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस परीक्षा में सफल होना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उसके सिलेबस को आंखों के सामने एकदम गुजरना चाहिए 24 घंटे। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी नाव कहां कहां से मुड़नी चाहिए, उससे ज्यादा भटकाऊ अगर लाए तो वह आपकी परीक्षा आपके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इस विषय के अंतर्गत हमसे किन किन बिंदुओं से, किन किन आपके मुद्दों से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपका सिलेबस बताने जा रहा हूं, नोट कर सकते हैं कहीं एक जगह पर। देखिए, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा, आपसे इस पर संबंधित सवाल होंगे। इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे पब्लिक इंटरेस्ट से यानी सार्वजनिक हित या जनहित से संबंधित जो मामले हैं, इस पर आपसे सवाल पूछेगा कि अगर आप पुलिस व्यवस्था में हैं तो अगर कहीं पर आपको आग लगने की सूचना मिलती है या किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिलती है तो आप क्या करेंगे, जैसा सवाल आया था तो उसमें चार ऑप्शन दिया था। पहले उसके बारे में पता करेंगे कि इसका घर कहां है, दूसरा था एम्बुलेंस बुलाएंगे, तीसरा था अपने ऊपर अधिकारियों को फोन करेंगे, ठीक है, चौथा था देख कर निकल जाएंगे। तो इस टाइप से सवाल आपसे पूछेगा। तो जनहित के मामले से जो भी आपके जुड़े हैं इनसे सवाल आपका इसमें पूछता है। दूसरा इसमें जो आपका पॉइंट है वह है लॉ एंड ऑर्डर, आपकी जो एक तरीके से आप नियुक्ति होगी वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही होती है, पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है। तो कानून और व्यवस्था कैसे मैनेजमेंट इस प्रदेश में चलता है, उसके लिए क्या क्या कानून है, इन सारी व्यवस्थाओं को आपको जानना जरूरी होता है। तीसरी बात, जो तीसरा मुद्दा इसमें जहां से सवाल पूछेगा, कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव पर आधारित सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जिस विभाग में कार्य करने जा रहे हैं, जिसके साथ कार्य करने जा रहे हैं, वहां सबसे जरूरी मुद्दा यही होता है, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव, क्योंकि लोगों के बीच में आपको कार्य करना है और लोगों के बीच में अगर कार्य करना है तो वहां सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस की। अगला जो मुद्दा इसमें है, बहुत अच्छे से सिलेबस को सुनना, क्राइम कंट्रोल यानी अपराध नियंत्रण कैसे करती है पुलिस, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगली चीज है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन या कानून का शासन, इसके बारे में भी आपको जो है पता होना चाहिए कि अपने यहां जैसे संविधान में भी इसकी व्यवस्था है जो है विशेष रूप से, और यहां पर जैसे लागू होती है आपके विभाग में जब आपकी नियुक्ति होगी तो वहां पर भी आपको कानून के शासन को पालन करवाना होगा, क्योंकि आप उस विभाग से संबंधित होने जा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी जरूरी है। एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता से संबंधित सवाल पूछता है कि परिस्थिति कैसी है, आप कैसा रिस्पॉन्स वहां करेंगे, ये अनुकूलन क्षमता होगी। इस पर आधारित भी सवाल होते हैं, आगे मैं सवाल भी करवाऊंगा, जो पॉइंट पढ़ाऊंगा उस पर आधारित जो सवाल आए हैं उनको हम लोग देखेंगे। अगली चीज है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, ये बेसिक लेवल पर आप जिस जॉब को करने जा रहे हैं उसके जो है आधार बेस पर आपको जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी बिंदु है। उसके बाद आपका इसके बाद जो अगला सिस्टम आता है वह है पुलिस प्रणाली, ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो सिस्टम बनता है आपका डिपार्टमेंट पूरा का पूरा पुलिस प्रणाली का सिस्टम आपका क्या है, कैसे कैसे अधिकारीगण कैसे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे तक पूरे अधिकारियों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। अगली चीज आती है कंटेम्पोररी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड जो है ऑर्डर यानी समकालीन पुलिस के मुद्दे, कानून और व्यवस्था, वर्तमान में क्या क्या पुलिस के मुद्दे हैं, कैसी कैसी कानून व्यवस्था चल रही है, ठीक है, जिलेवार कैसी है, प्रदेश स्तर पर कैसी व्यवस्था है, ये इतने आपके बिंदु होते हैं, कुछ और बिंदु हैं उनको भी देख लीजिए। अगला जो पॉइंट इसमें शामिल है बेसिक लॉ, बुनियादी कानून क्या होता है इसके बारे में आपको जानना चाहिए, और साथ ही साथ इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, पेशे में आपकी रुचि क्या है, तो पेशे में रुचि तभी पता चलेगी जब विभाग के बारे में जानोगे, ठीक है, कि प्रमोशन का विभाग कौन है और आपके लॉ एंड ऑर्डर CID क्या है, ठीक है, अग्निशमक क्या है, बहुत सारे इसमें विभाग हैं आपकी, बहुत सारी इकाइयां हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। अगली चीज आती है मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवार्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज एंड जेंडर सेंसिटिविटी, मतलब अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता और
वंचित और लिंग संवेदनशीलता, इन मुद्दों को भी आपको जानना चाहिए कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके लेकर के क्या क्या आपके कानून हैं। अब एससी एसटी जैसे कानून हैं उसको लेकर के आप कहां पर अप्लाई कराओगे, कहां पर वो मुद्दा आएगा, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। लिंग संवेदनशीलता महिलाओं और पुरुषों, तो महिलाओं को लेकर के समाज में जैसी चीजें हैं इनके लिए विशेष व्यवस्था है, ठीक है। बच्चों को लेकर के विशेष व्यवस्था है, बच्चों में सारे आ जाते हैं, मतलब लड़का लड़की नहीं देखते वहां, ठीक है। तो जो 16 साल से कम उम्र के हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के, नाबालिग को लेकर के, ये सारी जो व्यवस्थाएं कानून करता है उनके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इन सब पर आधारित जितने मैंने बिंदु बताए ये आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। तो सिविल वाले भी इस पर, जो लोग एसआई सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस पर आधारित सवाल मिलेंगे, और जो लोग एसआई और एएसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस पर आधारित सवालों के जवाब देने होंगे, ठीक है। तो यह आपका सिलेबस रहा, इसको एकदम दिमाग में बना लीजिए। जिन्होंने नहीं नोट किया फिर से वापस जाइए और इस सारे पॉइंट्स को नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं आज जो हमारा है उसको सबसे पहले, क्योंकि ये जितने मुद्दे बताए गए ये सब कुछ आपकी जॉब पर आधारित है। आप जिस पद के लिए दावेदारी पेश करने जा रहे हैं उसी पद से जुड़े ये आपके सभी मुद्दे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा उस सिस्टम को, उस प्रणाली को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम पढ़ने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रणाली, हेडिंग जो होगी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रणाली। बात यह आती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो ध्यान यह आपको देना है कि पुलिस की जो ये बातें होती हैं, ठीक है, आखिर पुलिस का क्यों होना जरूरी है। सबसे पहले आपको सवाल यह आना चाहिए दिमाग में कि पुलिस किस लिए है, क्यों जरूरी है। दूसरा आप मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, सोचिए कि जो पुलिस आज है यही भारतीय पुलिस पहले थी अंग्रेजों के जमाने में, उस पुलिस में ब्रिटिश जो इंडियन पुलिस थी और वर्तमान में जो पुलिस है दोनों में क्या अंतर है। जो ब्रिटिश आपकी इंडियन पुलिस होती थी वहीं से हमने सीखा, 1861 के कानून के तहत ही हमारी स्थापना है इस विभाग की और उसी पर हम कार्य कर रहे। तो जो वो कानून थे अंग्रेजों के अंतर्गत जो पुलिस बल था और वर्तमान में पुलिस बल है इनमें क्या अंतर है। तीसरी बात, पुलिस में जो अलग अलग आपके विभाग होते हैं इनकी इकाइयां होती हैं, उन इकाइयों का काम करना क्यों जरूरी है, ठीक है। चौथी चीज, पुलिस का अगर प्राचीन व्यवस्था से देखें तो आज के व्यवस्था तक कैसे कैसे आपकी अलग अलग व्यवस्थाएं चलती चली आ रही। इन चार मुद्दों को आप सोचिए सबसे पहले। तो देखिए, जब पृथ्वी परमाणु आया, इतिहास तो जानते ही हैं, ठीक है, मानव की उत्पत्ति, तो यहां से धीरे धीरे जब हमारे क्या होने लगे कि जब जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, हम कबीलों के रूप में रहने लगे, तो उस दौरान मानव ने यह सोचा कि अब हमारे ऊपर जो बाहरी अटैक हो रहे उनसे अपनी रक्षा कैसे करें, तो वह कबीलों का निर्माण करने लगा और कबीलों में उसने अपना एक मुखिया चुन लिया कि यह हमारा मुखिया है, यह हमारा सरदार है, और उस सरदार के कर्तव्य और दायित्व को उसने निर्धारित किए और उसको, उस सरदार को क्या किया गया कि आप हमारे जो है परिवार की, हमारे समाज की सुरक्षा करेंगे। वो क्या करने लगा, कबीले की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ने लगा, ठीक है, उसके साथ अन्य व्यक्ति शामिल होने लगे। तो यह सिस्टम वहां से चलना प्रारंभ होता है। तो धीरे धीरे जब बहुत ही सभ्यमानव हो गया तो उसके पास जब वह किसमें आया, वह आ गया आपके शासन के प्रकार में, राजतंत्र में आ गया। तो राजतंत्रों में भी आपके पुलिस प्रशासन के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन है, ठीक है। कोई भी आप इतिहास उठा लीजिए, वहां पर आपको राजतंत्र में भी पुलिस के बारे में मिलेगा, बहुत विधिवत मिलेगा, ठीक है। तो ये पुलिस तब से बनी हुई है जब से जो है एक तरीके से सभ्यमानों का विकास हुआ, क्योंकि अगर हम सभ्य हैं तो हम समाज में ऐसी चीजों को नहीं चाहेंगे जो हमारे मानकों के विपरीत है। अगर उस मानक के विपरीत कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसके लिए निपटने के लिए कुछ कानून बनाएंगे। यानी यहां यह जो संकल्पना आई, जब राजतंत्र से हम लोकतंत्र की ओर बढ़े, तो लोकतंत्र में बढ़ने के बाद भले ही हमारा गुलामी का शासन रहा, राजतंत्र में छीन कर अंग्रेज हमें गुलाम बनाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे थे, उनके यहां चूंकि चीजें थी, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते वो लोकतंत्र की ओर, क्योंकि चुनाव वगैरह तो सारी चीजें बंद थी, मतलब वो गुलामी की ओर थे, लेकिन उन्होंने भारत देश में कई ऐसे सिद्धांत, कई ऐसी बुनियादी व्यवस्थाओं की व्यवस्था की जिन पर पूरे देश का शासन चला रहे थे वो।
अब जब लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगे हम धीरे धीरे, तो यहां पर अंग्रेज भी अपने साथ सिपाहियों को लेकर आते थे। ठीक है, सबसे पहले वो सिपाही आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होते थे, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि नहीं, अब वहां से इतने सिपाहियों का यहां लाना पॉसिबल नहीं, संभव नहीं, पूरे जब भारत देश उनके लगभग नियंत्रण में आ गया, तो वो यहां ही की जो राजाओं, जिन राजाओं से वो युद्ध करते थे, उन राजाओं को हराने के बाद उनकी सेना ले लेते थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अंग्रेजों के पास बहुत अच्छी खासी सेना यहां भी बन गई। 57 का विद्रोह रहा हो या कोई भी हो, वहां पर चाहे विश्वयुद्ध प्रथम रहा हो, द्वितीय रहा हो, हर जगह इस भारतीय पुलिस ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब बात आती है कि पुलिस की अवधारणा आई कहां से, पुलिस की अवधारणा कहां से आई, आखिर ये जितनी चीजें बात करते हैं यह अवधारणा कहां से आई, सोचिए। पुलिस होना चाहिए ऐसा जरूरी है, क्यों जरूरी है बताइए, पुलिस होना चाहिए ऐसा जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या सोचते हैं आप लोग कि पुलिस क्यों होनी चाहिए? आप उस विभाग में जाने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें काम करेंगे, वहां के लोगों के साथ काम करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे, तमाम ऐसे मुद्दों को डील करेंगे, तो पुलिस की अवधारणा कैसे आई? एक बात मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बताई है कि जब मानव सभ्यता की ओर बढ़ा और हम आधुनिक अगर इसकी बात करते हैं, लोकतंत्र की दुनिया की बात करते हैं, तो लोकतंत्र की दुनिया में एक बात समझ में आई, लोकतंत्र में यह आया कि सबसे पहले एक परिभाषा दी गई वैश्विक स्तर पर, वह परिभाषा थी स्टेट की। ठीक है, परिभाषा किसकी थी, स्टेट की, यानी राज्य की। राज्य क्या होना चाहिए, इसके लिए परिभाषा आई, वैश्विक समुदाय जो मानता है उसी प्रकार ही होना चाहिए। तो राज्य की अवधारणा के लिए इसके पीछे जो पुलिस पूरा सिस्टम है, पुलिस की अवधारणा है, उसको मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। अगर समाज में लोग रहते हैं तो लोग अपने लिए किसका निर्माण करते हैं, अपने लिए शासन का निर्माण करते हैं, और शासन से अपेक्षा करते हैं कि शासन उनकी हर एक जरूरतों का ख्याल रखेगा, वो रोटी कपड़ा मकान से लेकर उनके अपने देश की सुरक्षा हो, या फिर वो विश्व में किसी अन्य देश में जाएंगे, वहां पर जिस राज्य के अंतर्गत वो रह रहे वह उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेगा। भारत का कोई भी नागरिक अगर भारत से बाहर चला जाता है तब भी भारत सरकार वहां पर, इस समय COVID-19 में लेकर के देखिए पूरे अभियान चल रहे हैं, आप विदेशों में जो हमारे नागरिक रह रहे उनको भारत जो है वतन वापसी के लिए हर जगह से अलग अलग, आपकी नौसेना है, जल सेना है, ठीक है, सारे के सारे कार्य कर रही है। तो भारत सरकार अपने या जो है नागरिकों के लिए कार्य कर रही, और उन्हीं नागरिकों ने भारत सरकार को बनाया है, इसके लिए वो कार्य कर रही। तो सुरक्षा हमें चाहिए, सुरक्षा हर एक स्तर पर चाहिए, हमें सुरक्षा की जरूरत है। हम छोटे से होते हैं तब हमें सुरक्षा चाहिए, उसके लिए मां होती है, बाप होता है, थोड़ा सा बड़े होते हैं तब हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे भविष्य की सुरक्षा चाहिए, उसके लिए विद्यालय होते हैं, माँ बाप विद्यालय में भेजते हैं, और विद्यालय से बड़े होते हैं तो हमें धीरे धीरे जो है अन्य सुरक्षा चाहिए, उसमें हमें एक नौकरी चाहिए, उसके लिए समाज आपका कहीं ना कहीं मदद करता है। समाज में हमारा परिवार रह रहा, हम रह रहे, तो उसमें उससे हमारी सुरक्षा चाहिए, समाज में अराजक तत्व नहीं होने चाहिए। ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि राज्य की अवधारणा में यह बताया गया कि कोई भी अगर स्टेट है तो उस स्टेट में अगर चार चीजें मौजूद हैं तो वह राज्य होगा। समझिए, चार चीजों में पहली चीज जरूरी है कि अगर कोई अपने आप को राज्य कहता है तो उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। अगर कोई अपने आप को राज्य कहता है तो उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। अब निश्चित भूभाग का अर्थ क्या हुआ, निश्चित भूभाग का अर्थ हुआ कि जैसे आप जानते हो कि भारत है, तो भारत की लोकेशन आपकी 8 degrees 4 minutes से शुरुआत होती है और उधर जाकर के ऊपर की ओर एक लिमिट में है, यानी इसकी हमें चारों तरफ की एरिया मालूम है। मतलब अगर कोई राज्य है तो उसको अपनी सीमा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा भूभाग इतने में फैला है, उसकी बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि एक राजा है, ठीक है, लड़ाई पर तो हो ही गया जब दूसरा काबिज कर ले, लेकिन अगर हमारी सीमा निश्चित होनी चाहिए, राज्य की संकल्पना में प्रथम तत्व यह आता है। दूसरी बात करते हैं, अगर कोई राज्य है तो उस राज्य में सबसे जरूरी चीज है कि उस राज्य की जनसंख्या होती है, बिना जनसंख्या के कोई भी राज्य आपका संभव नहीं है। अगर जहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती और वहां पर कोई कह दे कि ये राज्य है तो वह राज्य नहीं हो सकता। राज्य के लिए एक जनसंख्या चाहिए,
और जनसंख्या अगर है तो जाहिर सी बात है हमें वहां पर अंदाजा होगा, कहीं ना कहीं जनगणना होगी, कुछ ना कुछ होगी जिससे पता चलेगा कि इस राज्य में इतने लोग रहते हैं। तो वहां जनसंख्या का होना राज्य के दूसरे अंग के रूप में बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह आती है कि अगर कोई अपने आप को स्टेट बोलता है तो उस वहां पर एक सरकार का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सरकार राज्य के तीसरे अंग के रूप में यह कंपलसरी है कि अगर कोई राज्य है तो वहां सरकार होना चाहिए। और चौथी बात जो आती है वो ये आती है कि अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का संप्रभु होना बहुत जरूरी है, मतलब उस राज्य को अपने व्यक्तिगत फैसले लेने का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। यह राज्य की संकल्पना है। अनुच्छेद 13 जब आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान का, आर्टिकल 13 भी बोलता है कि व्हाट इज अ स्टेट, अनुच्छेद 13 भी कहता है कि राज्य क्या है, क्योंकि आपको राज्य के विरुद्ध फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो जिसके लिए वो इसलिए है कि जो शासन हमने बनाया है वही शासन हमारे अधिकारों को ना खा जाए, निरंकुश तानाशाह वहां ना बैठ जाए शासन पर, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वहां स्टेट की डिफिनेशन को परिभाषित किया गया, वो चीजें कोई और है। यहां पर जो चीजें हैं, यहां स्टेट यह वैश्विक स्तर पर चलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर यह बोला जाता कि राज्य में सरकार का होना जरूरी है तो सरकार किस लिए होती है, बताइए। सरकार इसलिए होती है कि वह अपने उस राज्य के अंतर्गत जो जनसंख्या रह रही है उस जनसंख्या की हर एक सुविधाओं का ख्याल रखे। और सरकार के बहुत सारे रूप आपको विश्व में दिखाई देते हैं, कहीं कहीं आपका अध्यक्ष जो है अध्यक्षात्मक शासन है, प्रेसिडेंशियल रूल है, रूल है, और कहीं कहीं आपका डेमोक्रेटिक मिलता है, गणतंत्र शासन मिलता है। तो यही चीजें जो आपकी अलग अलग चलती हैं, कहीं डायरेक्ट आपका इलेक्शन होता, कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सरकार इसलिए है कि जो उसकी जनसंख्या है, जो उसका भूभाग है, ठीक है, और जो उसकी संप्रभुता है, इन सभी की वह रक्षा कर पाए। ठीक है, अब सरकार के अगर फॉर्मेशन को देखा जाए तो भारत देश में जो सरकार बनती है अपने यहां सरकार के तीन अंग बनते हैं। एक अंग आपको बनता है कौन सा, एक अंग हमारा सबसे जरूरी यह है कि हमारे यहां विधायिका है। ठीक है, विधायिका है। दूसरा जो स्तर हमारा बनता है यह होती है कार्यपालिका, और तीसरा जो हमारा स्तर बनता है वह होती है आपकी न्यायपालिका। अब तीन स्तर पर हमारे यहां यह प्रणाली आपकी केंद्र स्तर पर भी लागू है, और स्टेट को जब आप देखोगे राज्य को अपने उत्तर प्रदेश में भी यह प्रणाली लागू है। ठीक है, सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपकी विधायिका। विधायिका जिसको आप लेजिस्लेटिव बोलते हो, इसका काम होता है कि मेकिंग ऑफ लॉ, कानून का निर्माण करना, कानून को बनाना, यानी विधियों का निर्माण आपकी कार्यपालिका करती है। इसका जो कार्य बनाया गया कि आप विधि का जो है निर्माण करेंगे। ठीक है, कानून का निर्माण विधायिका करती है, और जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, वह कानूनों को लागू करवाने में काम करती है, इन्फोर्स कराने में, लागू कराना इसका कार्य है। और तीसरी न्यायपालिका है, वो यह देखती कि जो विधायिका कानून बना रही है, कानून जो लागू होने वाला है, यह कानून आपका कितनी हद तक लोगों के लिए जायज है, साथ ही साथ इस कानून से जो लोग वंचित रह गए हैं उन वंचितों को वह क्या करे, इसका लाभ दे। मतलब जो लोग कानून से वंचित हैं उन जो है उनको इस कानून का लाभ मिलाए, कानून से वंचित, ठीक है, लोगों को लाभ दिलाना कार्यपालिका का कार्य है। अब कार्यपालिका, ठीक है, कार्य किसके आधार पर करेगी, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया, आप न्यायपालिका पहुंचे तो न्यायपालिका किससे, विधायिका से कहने जाएगी, कभी नहीं। न्यायपालिका किससे बात करवाती है, कार्यपालिका से करवाती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका जो है अपने यहां दो तरीके की कार्यपालिका पाई जाती है। ठीक है, ये आपका ही विभाग में बात कर रहा हूं, कहीं अलग नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए, मैं उस अवधारणा को बता रहा हूं कि जिस पर यह पुलिस सिस्टम कार्य करता। कार्यपालिका दो तरीके की होती है, एक कार्यपालिका होती है अस्थाई और दूसरी कार्यपालिका होती है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई कार्यपालिका क्या होती है, अस्थाई कार्यपालिका का मतलब है कि जिसमें जो हमेशा परमानेंट बना रहे। ठीक है, कानूनों का पालन करवाना, इन्फोर्स ऑफ लॉ आप पर डिपेंड है।
ठीक है, आप जिस विभाग में कार्य कर रहे हो। अस्थायी कार्यपालिका में आपका प्रेसिडेंट आता है केंद्र के स्तर पर, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि विधायिका का यह अंग होता है प्रेसिडेंट, और कार्यपालिका में यह जरूरी होता है अस्थाई में। दूसरी बात, स्टेट पर जब आप देखोगे तो स्टेट पर जितने गवर्नर होते हैं और इसमें इसमें जितने भी आपके नौकर साह आईएएस और आईपीएस होते हैं यह सभी आते हैं, ठीक है। यानी नौकर साह आपके अस्थाई कार्यपालिका के हिस्सा हैं, अंग हैं। नौकर साह कभी भी इनकी सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमेशा आपके कार्यपालिका में बने रहते। अस्थाई कार्यपालिका मतलब जो राजनीतिक आपकी पूरी प्रक्रिया है यह अस्थाई कार्यपालिका कहलाती है, ठीक है। आप लोग किसके अंग बनने जा रहे हैं? आप लोग इसके अस्थाई कार्यपालिका के अंग बनने जा रहे हैं। अस्थाई कार्यपालिका में जितने भी आपके आईएएस हैं, आईएएस और आईपीएस आपके क्या करते हैं, ये सभी मिलकर आपके प्रशासन को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, और यही कानूनों के लागू होने को सुनिश्चित करवाते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के पीछे यही जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट है आपकी पुलिस की अवधारणा का। आप कहां पर जा रहे हो? आप शासन देखो, एक तो आपका शासन होता है, दूसरा आपका प्रशासन होता है, ठीक है। तो कहते नहीं पुलिस प्रशासन, आप प्रशासन के अंग बनने जा रहे हो, आप कानूनों को लागू कराओगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो। अब यहां पर आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे अधिकारी आते हैं, आईपीएस वा आईएएस वा, इसका क्रम आपके हिसाब से अभी देखेंगे। शासन वहां है जो कानूनों का निर्माण कराता है, जैसे उत्तर प्रदेश शासन लिखा रहता है गाड़ियों पर, प्रशासन लिखा रहता है, ठीक है। आप जिस विभाग में जा रहे हो वहां पर जो है गाड़ी पर ही, नंबर प्लेट पर ही, ठीक है, या कहीं पर सिंबल के तौर पर स्टार लगाए जाते हैं गाड़ी पर कि ये गाड़ी किसकी है, गाड़ी से पहचाना जाए, तो वहां पर स्टार लगाए जाते हैं कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, तो गाड़ी से पता चलता कि यह गाड़ी किसकी है। ये नहीं कंधे पर स्टार लगे हैं तभी जानोगे, वो गाड़ी से पहचान हो जाती है। वहां पर जो है वहां स्टार उस तरीके से लगाए जाते हैं। अब शासन कानूनों का निर्माण करता है सारी चीजें, और लागू कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो आप प्रशासन के अंग हैं, ठीक है। आप किस में जा रहे हैं? प्रशासन में जा रहे हैं। तो प्रशासन को फॉलो मतलब लागू कराने के लिए हर जगह पर ऊपर तो आपकी एग्जीक्यूटिव बैठी है जो क्या करती है अपने हर एक जिलों में। अब बात आती है कि जब अपने यहां जो सरकार है, यह सरकार अपना द्विस्तरीय है, ठीक है। द्विस्तरीय एक तरीके से मतलब केंद्र की सरकार अपनी अलग है और राज्य की सरकार अपनी अलग है। राज्य के में भी आपके 3 तरीके की आपके अंग है, राज्य सरकार के भी, विधायिका राज्य की भी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव है, और राज्य की आपकी क्या मौजूद है, कार्यपालिका है जो कानूनों का पालन करवाती, और राज्य की आपकी क्या है, न्यायपालिका है, जितने भी राज्य हैं उनकी हाईकोर्ट है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, अपना हाईकोर्ट है। अब आप लोग कार्यपालिका के अंतर्गत हैं, तो कार्यपालिका में अपने यहां जब बात आई हर एक राज्यों की सुरक्षा की, तो केंद्र ने क्या कहा, केंद्र ने कहा कि राज्यों जो ये पुलिस आपकी व्यवस्था है, जो कानूनों को आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेगी, पुलिस राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है, ठीक है। भारतीय संविधान में पुलिस जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है, तो पुलिस में जो कुछ सारी चीजें चाहिए उस पर कानून आपकी विधायिका बनाती है, ठीक है। पुलिस से संबंधित सुधार की बात हुई या पुलिस में कोई परिवर्तन किया जाना है, उन सभी से संबंधित जो निर्णय लेती है वो आपकी राज्य सरकार लेती है। तो सबसे पहली चीजें यही जाननी होगी। अब हम धीरे धीरे इसमें एक एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे। अब हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश प्रणाली की, अभी हाँ एक पॉइंट बाकी रह गया आपसे कि मैंने बात किया कि जब हम 1861 के आधार पर ही गठन है हमारे पुलिस सिस्टम का, तो उस दौरान जो ब्रिटिश इंडियन पुलिस थी, ब्रिटिश इंडियन पुलिस थी, और आज की जो इंडियन पुलिस है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, इसी पर सवाल होते हैं, अलग से कुछ नहीं होते। देखो, जो ब्रिटिश आपकी एक तरीके से पुलिस होती थी, ये ब्रिटिश पुलिस सिर्फ एक चीज करना जानती थी, वो ये जानती थी कि अत्याचार की सीमा क्या है, इसको वह नहीं जानती थी। किसान है, अगर यह लगान वसूल नहीं दिया तो यह पहुंचेंगे तो उसको जान से मार देंगे, पीट पीट के मार डालते थे। इनमें अत्याचार की पराकाष्ठा को भी ये पार कर गए थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज सिर्फ इनका यह चाहते थे कि भारत को दोहन करने के लिए हम पुलिस की मदद लेंगे, ठीक है। पहले भी आपके पुलिस होती थी, राजाओं के पास भी सैनिक होते थे, पुलिस व्यवस्था होती थी, नागरों में द्वारपाल होते थे,
ठीक है, नगर कोर्ट होता था, वो इन सबकी जिम्मेदारी होती थी कि आपको नगर में सभी की सुरक्षा करनी है। यानी जो उस समय की आपकी पुलिस थी, जैसे नगरों में बात करें जब आपके राजशाही शासन चलते थे तो उसमें द्वारपाल होते थे, वो द्वार जो राजा मतलब राज्य होता था उसमें प्रवेश के बहुत सारे अन्य भी द्वारपाल होते थे, राजा के गुप्तचर होते थे, सैनिक अलग होते थे, नगर में शासन प्रशासन को देखने वाले अलग होते थे, ये सारी चीजें उस समय चलती थी जिनमें राजा जिनके माध्यम से कानूनों को अपने यहां सुरक्षित कर पाता था। ये चीजें अंग्रेजों वाली जब कॉन्सेप्ट आई तो मैंने बताया कि यह अंग्रेज के जो आपके सिपाही थे वो उन्होंने अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया। अब तब के पुलिस में आज के पुलिस में क्या अंतर है, पुलिस भले ही अपराधी को मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे ठीक है, पुलिस ने आपका पीछा किया, आप भागते हैं पुलिस से ठीक है और गिर जाते हैं, तो पुलिस ये नहीं करेगी कि पहले पकड़ के तुमको कूट लेगी ठीक है, पुलिस क्या करती है आप चोट खाए सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाएगी, आपको हॉस्पिटल ले जाएगी, वहां जब आप सही हो जाएंगे उसके बाद आपसे रीजन पूछेगी आप भाग क्यों रहे थे, क्या दिक्कत थी ठीक है, फिर जो कुछ होना है वह आपका पर तब होगा। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा बहुत चर्चित मुद्दा रहा कानपुर वाला ठीक है, पुलिस जो है इनकाउंटर की तो इनकाउंटर के बाद लेकर जाकर हॉस्पिटल ले गई, वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि आप जो है इनको डेड लेकर आए हैं ठीक है, इनकी मृत्यु हो चुकी है ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस अपने यहां तब के पुलिस में और अब के पुलिस में यही अंतर है कि तब की पुलिस सिर्फ अत्याचारी होती थी, अत्याचार को जो है करना जानती थी, आज की पुलिस में बहुत सुधार है। आज की पुलिस हर जगहों पर आपको क्या करने को मिलेगी, मुस्तैद मिलेगी ठीक है, कुछ भी हो जन जो आपका सुरक्षा है उसमें आज की पुलिस में बहुत बड़ा बदलाव है, और इसके पीछे तमाम ऐसे आयोग रहे, तमाम वह प्रणाली रही जिनको समय समय पर जरूरत के हिसाब से हम लोग बदलते रहे। अपने यहां वर्तमान में देखिए, जैसे अभी यह चल रहा था कॉन्सेप्ट कि हर जगह पर जितने आपके महानगर हैं जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है वहां पर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नए नए जो है प्रयोग किए जाते थे। अपने यहां भारत लेवल में देखें तो भारत में भी जो आपके महानगर हैं वहां पर पुलिस के सिस्टम में बदलाव की जरूरत थी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया कि हम भी अपने यहां बदलाव करेंगे, दो आपके, एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ शहर नोएडा और दूसरा प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इन दोनों में पुलिस प्रणाली में व्यवस्था में बदलाव किया गया और यहां पर अब कमिश्नरी लागू कर दी गई, यानी पुलिस के अब आयुक्त बनाए गए हैं। कमिश्नरी आखिर क्या है, कौन सी विशेष व्यवस्था है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कमिश्नरी में, जो आपका आपसे ऊपर जब आप विभाग में जाओगे तो जो आपके जिले का शासन होता है, जिले का शासन जैसे आपने पढ़ा होगा अंग्रेजों का एक शासन पढ़ा होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि अपने यहां दोहरी व्यवस्था है, मतलब केंद्र का अपना अलग कानून है और राज्य का अपना अलग कानून है, तो जिले के स्तर पर जो आपका कानून होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका कानून होता है ठीक है, जिले के स्तर पर भी अपने यहां जो है दो तरीके की व्यवस्था है, एक तो आपका सीधे सीधे कानून जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा फॉलो कराया जाता है, और दूसरा जो आपका शासन का बाकी आपका प्रशासन संभालता है वह आपके एसपी रैंक का अधिकारी होता है ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जो पुलिस होता है उसके ऊपर आपका डीएम बैठा होता है, जिले का मजिस्ट्रेट बैठा होता है, तो कहीं पर भी पुलिस को अगर कुछ भी करने के लिए कोई भी एक्शन लेना है तो वहां पर एसपी डीएम से पहले पूछता है कि यहां पर क्या होना चाहिए, और डीएम को ये जो पावर मिली है डीएम सामान्य रूप से इस पावर को क्या करता है, उठा के एसडीएम को दे देता है ठीक है, एसडीएम डीएम से नीचे होता है, इसको वह पावर परंपरा के रूप में दे देता है, और एसडीएम ही कहां पर धारा 144 लगानी, कहां पर जो है लाठी चलानी, कहां पर क्या करना, यह सब डिसीजन लेता है। अब जब कमिश्नरी लागू हो जाएगी तो कमिश्नरी लागू होने पर जो सीआरपीसी के कुछ आपके जो है एक तरीके से अधिकार है, कानून है, वह आपके कमिश्नर को ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब पुलिस किस समय पर किसकी जरूरत है उसको देखकर डिसीजन ले सकती है, यह पूरा का पूरा प्रोसीजर आपके इसमें चलता है। अब दो शहरों में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, अपने यहां पर भारत देश में देखा जाए तो 61 ऐसे आपके शहर हैं जहां पर यह पूरी तरीके से प्रणाली लागू होती है। अब बात यह आती है कि कमिश्नरी प्रणाली क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी,
कानपुर में हमने प्रयोग किया था, इससे पहले की बात है, कानपुर में यह प्रणाली सफल नहीं हुई, लेकिन अब लखनऊ में और नोएडा में यह प्रणाली आपकी चल रही है, सही ढंग से चल रही है। कमिश्नरी में क्या होता है विशेष परिवर्तन, जो आपका कमिश्नर होता है पुलिस आयुक्त होता है, पुलिस आयुक्त में उस जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जिले आते हैं वहां पर जो ये पहले एक जिले को संभालने वाला एक ही एसपी होता था, यहां पर आपके अब 9 से 10 एसपी की तैनाती की जाती है। इसमें एक महिला एसपी का होना जरूरी होता है जो महिलाओं से संबंधित मुद्दों को देखती है, मतलब अब यहां पर लगभग 9 या 10 एसपी हो जाते हैं। पहले आपके अलग जिलेवार डिवाइड होते थे, तो ये कमिश्नरी है। इससे पहले कानपुर में लागू हुई लेकिन वह सफल नहीं हुई थी, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कोलकाता के पश्चिम बंगाल से कमिश्नरी प्रणाली की गई थी, तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए वर्तमान में सब कुछ लागू किया गया। अब बात आती है कि जब अपने यहां ये लागू है तो आगे की जो चीजें हैं, ये ऐसे नहीं आया है, जब इसको लागू होना था तो उस समय यह बात आई थी कि जो पुलिस की लगभग जो है 100 सालों से मांग चल रही थी, 50 सालों से, वह मांग पूरी हो गई, ठीक है। पुलिस बहुत पहले से ही, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे आपके अलग अलग आयोग बनाए गए थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उन सारे रिकमेंडेशन को आज तक दरकिनार किया गया, अब जाकर के यह लागू किया गया है पुलिस आयुक्त को लेकर के। तो आज बस मैं आपको इस सिलेबस और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था, कल इससे आगे जो इसका मेन सिलेबस है उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रणाली है, उन सब पर हम लोग परिचर्चा करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, कि पुलिस बल का दायित्व क्या होता है, कैसे कैसे ये कार्य करते हैं, पुलिस का मतलब क्या होता है, अर्थ परिभाषा, इन सभी पर हम लोग परिचर्चा कल करेंगे। आज बस आपको उस माहौल की तरफ ले जाना था जिस पर मैंने अभी तक आपसे परिचर्चा की है। उम्मीद है जो मैं अवधारणा को बताना चाह रहा था उन चीजों को आप सीख गए हैं। कल से जब क्लासेज आपकी लगातार इस वे में बढ़ेंगी, जो लोग इस जो है सारी क्लासेज के जो दिन में 4 से 5 चल रही हैं, उनके अगर आपको नोट्स चाहिए, सब्सक्रिप्शन नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पर 10+ कोर्स ओपन करिए, ठीक है। जब आप रजिस्टर करेंगे 10+ कोर्स ओपन करिए, उसमें UPSI, ठीक है, या ASI एक आपको मिलेगा, वहां पर दिखेगा पूरा, ठीक है, कोर्स। इस कोर्स पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, 499 रुपीज का पेमेंट करेंगे तो 3 महीने तक की, ठीक है, जो क्लास आपको चारों चल रही है दिन में, इसकी 3 महीने तक की PDF मिलती रहेगी। वीडियो जो लोग सिर्फ देखना चाह रहे हैं, वीडियो उनके लिए निःशुल्क है, लेकिन जो लोग PDF लेंगे, इनको आगे इस पर आधारित क्विजेज भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मटेरियल तो पूरा का पूरा मिलेगा ही, ठीक है। तो आप 499 कोई इतनी भी बड़ी राशि नहीं है, ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी टीम परीक्षा प्लस के साथ कर सकते हैं। एक चीज आप बिल्कुल सेवटी रहिए कि हम आपका जो भविष्य है UPSI ASI परीक्षा की पोस्ट के लिए, वो एकदम सुरक्षित कर देंगे, ठीक है। हम पूरी तरीके से आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो फिर मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।